जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के बेहतरीन सेशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सामान्य हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। हिंदी के व्याकरण संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चले दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ए ऑप्शन देखिए, फूल उसकी सुगंध से महक रहा है। बी ऑप्शन है, परीक्षा की मौजूदा प्रणाली में बदलाव होना चाहिए। सी ऑप्शन है, लड़की ने जोर से हंस दिया। डी ऑप्शन है, उन्हें विविध विषयों का ज्ञान है। यहाँ पे वाक्य दिए गए हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है ये आपको बताना है, तो कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, लड़की ने जोर से हंस दिया। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य के अशुद्ध त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यहाँ पे वाक्य दिया गया है दोस्तों, भुगतान करने के लिए उसने जेब में हाथ डाला तो उसमें केवल 100 रुपये मात्र थे। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, केवल 100 रुपये मात्र थे। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। वाक्य दिया गया है, यह धारणा पुरानी पड़ चुकी है कि स्त्रियां आजीवन पुरुषों के द्वारा संरक्षित होती है। तो ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, वाक्य त्रुटिहीन है। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रंग बदलना मुहावरे का अर्थ है, क्या अर्थ है दोस्तों। ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, परिवर्तन होना। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, आस्तीन का सांप। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हवा के घोड़े पर सवार होना मुहावरा का उपयुक्त अर्थ है, क्या अर्थ है दोस्तों। ऑप्शन दिए गए हैं, कल्पना करना, तेज गति से चलना, जल्दी में होना, बहुत जल्दी में होना। ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे। जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, बहुत जल्दी में होना। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन, अधजल गगरी छलकत जाए कहावत का अर्थ है, क्या अर्थ है दोस्तों। ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, इतरा कर चलना। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विदेशी भाषा से हिंदी में आया उपसर्ग निम्नलिखित में से कौन सा है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्तों, ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, कम। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से किस शब्द में गुण संधि का प्रयोग हुआ है, किसमें हुआ है दोस्तों। ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, राजेश। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से अव्ययी भाव समाज का उदाहरण है, कौन सा है दोस्तों। ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, आजीवन। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वयंभू शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, जो स्वयं उत्पन्न हो। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए वाक्यों में अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, वे कोई स्कूल नहीं खोले हैं। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुझे दुख है कि आज एक बारात में जा रहा हूं, इसलिए आपसे ना मिल सकूंगा, उक्त वाक्य के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, वाक्य में शब्द क्रम सही नहीं है। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे।
जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, सभी श्रेणी के लोग वहां आए थे। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इससे पहले दोस्तों आप सभी लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है, विंडो क्लासेस की तरफ से दोस्तों एक स्पेशल ई बुक तैयार किया गया है 10,000 क्वेश्चन का। इस ई बुक में दोस्तों बेसिक से लेकर एडवांस लेवल का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगर आप कम समय में अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो इस ई बुक से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन लिए गए हैं दोस्तों, यहाँ पे आप लोग विवरण देख सकते हैं। 2024 में सबसे ज़्यादा बिकने वाला ई बुक है दोस्तों, तो अभी आप लोग डाउनलोड कीजिएगा। मानसून ऑफर चल रहे हैं, अगर अभी आप डाउनलोड करते हैं तो मात्र आपको 49 रुपये में मिलेगा। प्रथम 500 अभ्यर्थी के लिए ऑफर है दोस्तों, तो जल्दी से आप लोग डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोड आप लोग कहाँ से कर पाएंगे, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पर लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आता है या ई बुक से संबंधित कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ पे कस्टमर केयर का नंबर फ्लैश हो रहा है, इसमें आप लोग कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो अभी डाउनलोड कीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों के शुद्ध सत्य के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। वाक्य है पहले नंबर पे, शब्द केवल संकेत मात्र होते हैं। दूसरे नंबर पे है, उसकी दृष्टि चित्र पर गड़ी थी। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, वाक्य क्रमांक 2 शुद्ध है। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नीचे दिए गए शब्दों में एक शब्द अग्नि का पर्यायवाची है, वह शब्द है कौन सा शब्द है दोस्तों? ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, कृषाणु। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नीचे दिए गए शब्दों में प्राचीन शब्द का विलोम शब्द चुनिए। विलोम शब्द आपको चुनना है दोस्तों, ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, आवर्चिन। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में खर शब्द के विभिन्न अर्थों के घोतक शब्दों में कौन सा शब्द सही नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों? बान। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रीति शब्द का अर्थ क्या है? क्या अर्थ है दोस्तों? ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त तीनों सही है। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मुहावरे का स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता, उसे किसी वाक्य का अंग बनाना पड़ता है। उक्त कथन के लिए निम्नांकित में क्या सही है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, कथन पूर्णतः सही है। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंधे के आगे रोए, अपना दीदा खोए, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? क्या अर्थ है दोस्तों? ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, अयोग्य व्यक्ति के सामने अपनी बात रखना। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मुहावरा शब्द का मूल रूप मुहावीरा है। मुहावीरा मूलतः किस भाषा का शब्द है? किस भाषा का शब्द है दोस्तों? ऑप्शन दिए गए हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप लोग को डिटेल से कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के वीडियो में दोस्तों हमने टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कस किए। 20 में से आपको पहले से कितना पता था, आप लोग डिटेल से कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक खुश रहे, दोस्तों को भी खुश रखें। जय हिंद।